गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाट्य शास्त्र ग्रंथ। नाट्य शास्त्र ग्रंथ महर्षि भरत मुनि ने तीसरी शताब्दी के लगभग इस ग्रंथ की रचना की। संगीत के इतिहास में यह पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें अंतिम छह अध्यायों में संगीत संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अंतिम जो छह अध्याय हैं, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, अंतिम छह अध्यायों में संगीत संबंधी जानकारी दी गई है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ तीसरी शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया, तीसरी शताब्दी के लगभग। ग्रंथ लिखा गया महर्षि भरत मुनि द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। इस ग्रंथ के राइटर का नाम है महर्षि भरत मुनि। छह अध्याय, अंतिम छह अध्याय में संगीत संबंधी जानकारी दी गई है। छह अध्याय कौन से हैं? 28, 29, 30, 31, 32, 33। 28वें अध्याय में कौन कौन सी, किस प्रकार से डेफिनेशन का वर्णन किया गया है? 28वें अध्याय में स्वर, श्रुति, स्वर श्रुति ग्राम, स्वर श्रुति ग्राम मूर्छना, स्वर श्रुति ग्राम मूर्छना और जाति, और जाति के और उनके लक्षण, जाति के लक्षण हैं ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, ग्रह अंश न्यास अपन्यास अल्पत्व, बहुत्तव, अल्पत्व बहुत्तव, षड्त्व और है औड़व, औड़त्व, षड्त्व, औड़त्व। ये जाति के 10 लक्षण इस प्रकार से, तथा वाद्यों के 4 प्रकार, वाद्यों के 4 प्रकार कौन से हैं? तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, घन वाद्य और अवनद वाद्य। ये वाद्यों के 4 प्रकार, वाद्य के 4 प्रकारों का वर्णन मिलता है। 28वें अध्याय में फिर दोबारा देख लीजिए, स्वर श्रुति ग्राम मूर्छना जाति लक्षण। जाति के जो लक्षण हैं, ग्रह अंश न्यास अपन्यास अल्पत्व बहुत्तव षड्त्व औड़त्व, इनका वर्णन और 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन है। तत्वाद्य, सुश्रीवाद्य, घनवाद्य और अवघनवाद्य, 4 प्रकार के वाद्य हैं, इनका वर्णन मिलता है। यह है 28वें अध्याय में। 29वें अध्याय में जातियों का रस अनुकूल प्रयोग, विभिन्न प्रकार की वीणा, उनके वादन विधि का वर्णन मिलता है, उनके बजाने का जो ढंग किस प्रकार से विधि का वर्णन मिलता है। ये है 29वें अध्याय में। अब है 30वें अध्याय में। 30वें अध्याय में क्या है? सुशीर वाद्यों का वर्णन। सुशीर वाद्य क्या होते हैं? जो हवा से बजने वाले, जैसे हारमोनियम है, हवा से बजने वाले सुशीर वाद्यों का वर्णन। 30वें अध्याय में सुशीर वाद्यों का वर्णन दिया गया इस प्रकार से। 31वें अध्याय में कला लय, और विभिन्न प्रकार की
तालों का वर्णन, विभिन्न प्रकार की तालों का वर्णन दिया गया है। यह है 31वें अध्याय में। 32वें अध्याय में क्या वर्णन किया गया है? 32वें अध्याय में धुरवा, प्राचीन काल में धुरवा द्रुपद को ही नाम है धुरवा, धुरवा और उनके पांच भेद, उनके पांच भेद। उसके बाद है छंद तथा गायक, छंद तथा गायक वादकों के, गायक वादकों के गुणों का वर्णन, गायक वादकों के मेरिट्स डिमेरिट्स दिए गए हैं, वादकों का वर्णन दिया गया है। और 33वें अध्याय में, 33वें अध्याय में क्या वर्णन दिया गया है? 33वें अध्याय में अवनद वाद्य, जो वाद्य धातु से बजते हैं, जैसे करताल है, मजीरा है, ये अवनद वाद्य हैं। अवनद वाद्यों का वर्णन, उनके प्रकार, उत्पत्ति, वादन विधि और वादन की 18 जातियां तथा वादकों के लक्षणों का वर्णन मिलता है। ये है लास्ट अध्याय, 33वें अध्याय, 6वें अध्याय में अवनद वाद्यों का वर्णन। अवनद वाद्य धातु से करताल है, मजीरा है, इस प्रकार अवनद वाद्य के प्रकार इस प्रकार से हैं। उत्पत्ति, उनकी वादन विधि और वादन की 18 जातियां और वादकों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे, भरत मुनि ने अपने इस ग्रंथ में 22 श्रुतियां मानी है। भरत मुनि ने अपने इस ग्रंथ में 22 श्रुतियां और 7 शुद्ध स्वर माने हैं, 7 शुद्ध स्वर, 7 शुद्ध स्वर माने हैं। प्रत्येक स्वर को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है, प्रत्येक स्वर को उनकी अंतिम श्रुति पर ही स्थापित किया है। और कौन से नियम है स्थापित करने का? सा मा पा के चार चार श्रुतियां, सा मा पा के चार चार श्रुतियां, चार चार श्रुतियां, सा मा पा की चार चार श्रुतियां, रे धा की तीन तीन श्रुतियां और गे और नी की दो दो श्रुतियां। इस प्रकार से उन्होंने 4 3 2, 4 4 3 और 2 के आधार पर स्थापित किया है। इस नियम के आधार पर ही उन्होंने श्रुति स्थापना की है। सामापा की 4 4 श्रुतियां, रेदा की 3 3 श्रुतियां और गैनी की 2 2 श्रुतियां। कुल श्रुतियां कितनी होगी? 22। सामापा की 4 4 12 श्रुतियां ये हो गई हैं, रेदा की 3 3 12 और 6 18 और गैनी की 2 2 18 4 22 22 श्रुतियों की स्थापना इस प्रकार से की है और उनका स्थान इस प्रकार से। ये था 22 श्रुतियां, 7 स्वर और प्रत्येक स्वर के अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। भरत ने 7 शुद्ध स्वर माने, भरत ने 7 शुद्ध स्वर माने हैं और 2 विकृत स्वर माने हैं। 7 शुद्ध स्वर और 2 विकृत स्वर माने, विकृत कहते हैं कोमल स्वर माने। विकृत स्वर कौन से हैं? अंतर, गंधार और काकली निषाद, ये 2 विकृत स्वर माने हैं।
भरत ने सात शुद्ध स्वर और दो विकृत स्वर माने हैं, उनके नाम हैं अंतर गांधार और काकली निषाद। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है मूर्छना। मूर्छना की क्या डेफिनेशन दी है भरत ने? कर्म युक्त कर्म अनुसार सात स्वरों के समूह को मूर्छना कहा है। भरत ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में सात स्वरों के कर्म अनुसार सात स्वरों के समूह को मूर्छना कहा है। भरत ने 2 ग्राम माने हैं। ग्राम दो, षड़ ग्राम और मध्यम ग्राम। षड़ ग्राम और मध्य ग्राम, 2 ही ग्रामों का भरत ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में वर्णन किया है। 30 ग्राम, तीसरे ग्राम का प्राचीन काल में ही लौप हो चुका था। उन्होंने अपने इस नाट्य शास्त्र ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं किया, 2 ग्राम का ही वर्णन किया है, षड़ ग्राम और मध्यम ग्राम। षड़ ग्राम से सात और मध्यम ग्राम से 11, कुल 18 जातियों का भरत ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में उल्लेख किया है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ में 18 जातियों का वर्णन किया है। इस प्रकार से उन्होंने सात शुद्ध स्वर, दो विकृत स्वर, 22 श्रुतियां, 18 जातियों का वर्णन और जाति के 10 लक्षण, इनका वर्णन किया है। इसके अलावा जो बाकी के जो अध्यायों में हैं, रस रस भाव और इनका स्वर से संबंध बताया है। यह ग्रंथ संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। धन्यवाद।